किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं नंदू सैनी। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक 25 साल के लड़के की कहानी है जो मालिक के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत तकलीफ में चल रही थी। वह जाता, रोज पैसे कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता, सोता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई है। अब उसने हाथ धोए और वापस आ गया, तब तक 3 रोटी ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा रोटी ले जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरा नसीब क्यों खा रहे हो, मुझे मेरी रोटी लेने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है, तुम उनमें से एक को ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल बना दिया है। तो चूहे ने कहा कि एक व्यक्ति तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। लड़के ने पूछा, वह कौन है? चूहे ने कहा, वह गौतम बुद्ध है। उसके आश्रम में जाओ और उससे अपने जीवन के सारे सवाल पूछ लो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा। उसने चूहे की बात मान ली, वह गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। उसने मालिक से 8 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था, रात हो चुकी थी। यह लड़का कुछ नहीं देख पा रहा था। उसे थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वह वहां गया और आश्रय मांगा। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वह उस सवाल का जवाब दे दे। तो लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, बताओ। हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी 18 साल की लड़की है, उसने 18 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है, वह कुछ बोल नहीं सकती, बस उनसे यह पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर के आता हूँ। लड़का अगले दिन निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार किया जाए, बहुत देर हो जाती। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां पर बैठ करके क्या है तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उससे कहा कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता बहुत कठिन लगता है, मैं कैसे पार करूंगा। जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आना, फिर मैं जल्दी से पहाड़ पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए 1000 साल से इस पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर के आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। वह खेत वाले इलाके में आ गया। वहां एक बड़ी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि नदी कैसे पार की जाए। तभी उसे वहां एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से कहा कि वह उसकी पीठ पर बैठाकर और उसे नदी पार करवाए। कछुए ने कहा कि ठीक है। जब वह नदी पार कर रहा था तो कछुए ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, बात तुम तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करो, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आना। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस इतना पूछ करके आना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के पास गया, आश्रम में पहुंच गया, प्रवचन चल रहा था, प्रवचन समाप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। अब लड़के के सामने एक समस्या थी, वे किसके सवाल छोड़े और किसके पूछे। लड़का सोचने लगा। सबसे पहले उसने हवेली की मालकिन को देखा और उसके तो उसे लगा कि वह अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश कर रही है, उसकी बेटी बोल नहीं पा रही है, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर जो उसके दिमाग में आई वह जादूगर की थी, जादूगर वहां बर्फीले पहाड़ों में 1000 साल से तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर कछुए की आई जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। तभी लड़के को अपनी ही तस्वीर दिखाई दी, वहां एक लड़का काम कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। इन तीनों लोगों के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है, इन तीनों लोगों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब दिया, फिर जादूगर का, और फिर तीसरा सवाल कछुए के बारे में था। लड़के ने जो गौतम बुद्ध है उनको प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उसकी मुलाकात कछुए से हुई। उसने कछुए से कहा कि वह अपनी ढाल उतार दे। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने अपनी ढाल उतारी, मोती निकल आए। कछुए ने कहा कि मैं इन मोतियों को क्या करूंगा। लड़के को मोती दे दिए। कछुआ ड्रैगन बन गया। जब वह आगे बढ़ा तो उसे जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा
कि तुम्हें छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, यह छड़ी तुम ले लो, ये छड़ी को तुम रख लो, मैं स्वर्ग जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब तीसरे सवाल की बारी आई। वह उस हवेली में पहुंचा जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। वह मालकिन के पास गया और बोला, मालकिन तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। जिस दिन तुम्हारी 18 साल की बेटी की शादी होगी, वह बोलना शुरू कर देगी। उसने कहा, क्या बात है, इतनी देरी क्यों हो रही है? दूल्हा मेरे सामने बैठा है, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है? लड़के को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, लड़की की शादी हो गई। और जैसे लड़की की शादी हुई, पहली लड़की ने जो पहली बात कही वो यही कही, तुम तो भाई हो जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के को जीवन में धन मिला क्योंकि मोती आए, जादूगर की छड़ी मिली, उसे शक्ति मिली, लड़के की शादी हो गई, लड़के का जीवन संवर गया। यह छोटी सी कहानी जीवन में एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ें, अपने आलस्य को छोड़ें, सुबह जल्दी उठना शुरू करें, अपने जीवन से बुरी आदतों को हटा दें, तभी आप महान काम कर सकते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कम्फर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह भी समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो जरा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है? अंत में मैं नंदू सैनी एक बार फिर आपसे कहूंगा कि जब तक सफलता ना मिले, कोशिश करते रहे और रोजाना कुछ नया सीखते रहे। धन्यवाद।